उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर का दर रहमत जोश में था और हुजूर ने फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग लो। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा न कर लूं कि मैंने क्या मांगना है। तो फरमाया कि जाओ मशवरा कर लो, मशवरे की इजाजत भी हो गई। मैं अपने वालदे गिरामी की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि दरियाए रहमत जोश में है और रहमत का बाड़ा बरस रहा है। हुजूर ने फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग लो, ये इतना सुनहरी मौका हाथ आया है तो मैं चाहती हूं कि कोई मांगू तो अहम शय मांगू, तो आपकी खिदमत में हुजूर से इजाजत पाके हाजिर हुई हूं। मुझे बताया जाए कि मैं हुजूर से क्या मांगू ताकि कोई छोटी चीज ना मांगू बड़ी चीज मांगू। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि बेटा हुजूर से जाके कहना कि मेराज की खलबत खास में अल्लाह ने आपसे जो राज की बातें की थी उन बातों में से एक बात बता दो। मांगा भी तो इल्म मांगा, और आयशा मेरे से वादा करो जो हुजूर बताएं मुझे भी आके बताना है। उम्मुल मोमिनीन हाजिर खिदमत हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा मशवरा हो गया? कहा जी हुजूर हो गया। कहा मांगो क्या मांगती हो? कहा हुजूर मेराज की खलवत खास में जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए रब ने आपसे राज की बातें की तो उन बातों में से एक बात बता दे। हुजूर मुस्करा पड़े। इस बात पे मुस्कराए होंगे मेरे यारे गार का इंतखाब कैसा है, या इस बात पे मुस्कराए होंगे कि राज की बात बता दूं तो राज राज न रहा, लेकिन वादा किया था। कहा आयशा सुनो, जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझसे राज की जो बातें की उनमें से एक बात यह थी, महबूब तेरी उम्मत में से कोई शख्स किसी शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मेरे ऊपर लाजम है बगैर हिसाब के जन्नत अदा करूंगा। उम्मुल मोमिनीन बहुत खुश हुई और अपने वालदे गिरामी सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और सारी कहानी सुनाई। बहुत खुश थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे वालदे गिरामी ये बात रोने वाली तो नहीं है, हम बसा औकात किसी दुखी के काम आ जाते हैं, किसी का दुखड़ा बैठ के सुन लेते हैं, किसी की ढालस बना देते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, ये तो बख्शिश का बहाना हाथ आ गया और आप इस पे रो रहे हैं। तो फरमाने लगे, आयशा इसको माकूस भी पढ़ो, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो, अगर कोई शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, इसका दूसरा रुख ये है अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो सीधा जहन्नम में जाएगा। मैं इस बात पे रो रहा हूं कि हमसे किसी का दिल ना टूट गया। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह